गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, बहुत दिनों बाद एक बार फिर से ब्लॉग लेके आए हैं। आज का टॉपिक होगा हर्बल में तिल। तो तिल हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तिल का तेल हम यूजुअली यूज़ करते हैं और तिल को खाते भी हैं। तो अपने खेतों में तिल लगाए हुए हैं, तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि तिल के कैसे प्लांट होते हैं, फूल कैसा होता है, फ्रूट कैसा होता है और साथ में उसके यूजेस क्या क्या होते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको। छोटे छोटे तिल के पेड़ हैं और साथ में तिल के पौधे कुछ बड़े साइज में हैं। पैरट अभी तिल खा रहे हैं, तो जीवों का भी भला और हमारा भी भला। ये क्योंकि लैंड जो है ये हमारी पथरीली है थोड़ी, तो यहाँ पे तिल अच्छे से हो जाता है। हालांकि तिल के लिए भी खाद चाहिए और भी बहुत सारी औषधियाँ यहाँ लगी हुई हैं। तो फिलहाल आज फोकस करते हैं तिल की ओर, तो आइए। ये है दोस्तों, देखिए तिल, उसके फ्लावर्स ऐसे होते हैं पिंकिश वाइट कलर के, और ये इसका फ्रूट है। इस पे रोए रोए पूरे प्लांट पे ऐसे रोए से होते हैं, लेकिन जो फ्रूट होता है उस पे ज़्यादा होते हैं, और सिमिलरली जो इसका फ्लावर है उस पे भी ज़्यादा होंगे। बेल शेप कुछ ऐसा फ्लावर होता है ये, और इसकी हाइट देखिए मेरी हाइट से ज़्यादा भी है कुछ, है कि मीन्स 6 फीट के आसपास का ये प्लांट हो जाता है। और साथ में कुछ छोटे भी ड्वार्फ भी हैं जिनको ग्रोथ का मौका नहीं मिला है, बंजर भूमि की वजह से खाद नहीं डली है। तो आज जो ये तिल का प्लांट है ये हमारा आता है केशिय के अंदर। जो चरक आचार्य चरक हैं उन्होंने केशिय मतलब जो बालों के लिए अच्छा होता है उसके अंदर इसको डाला है। तो इसके साथ साथ कोकस न्यूसीफेरा जैसे आपका नारियल हो गया वो केश है, भृंगराज केश है आपका। तो सिमिलरली ये जो तिल है ये भी केश है आपका, मींस बालों के लिए बहुत अच्छा है। बात करें इसकी प्लांट की हाइट की, मैंने बता दिया आपको 1 फुट 2 फुट 3 फुट 4 फुट 6 फुट तक मैक्सिमम यहाँ पे है। जितना अच्छा आपका वैरायटी होगी, जितना ज़्यादा इसमें खाद डली होगी खेत में, उतना ही अच्छा ये तिल हो जाएगा। और साथ में ये देखिए, अभी आपको तोड़ के भी दिखाते हैं। ये देखिए अभी कच्चा जो तिल है, 4 पॉड्स होते हैं इसमें और वाइट तिल है। अभी इसकी 2 वेराइटीज़ आती हैं, एक होती है ब्लैक और एक होती है वाइट। तो ये पकने पे टाइम पे पता चलेगा कि ये ब्लैकिश है या वाइटिश है, क्योंकि अभी पकने पे कलर चेंज होगा इसका। इसमें जो वेराइटी मैंने आपको बता दी, एक और थर्ड वेराइटी होती है रेडिश ब्राउन कलर की, वो रेयरली मिलती है। इसमें सबसे पहले है कि गुणकर्म क्या है। तो मेनली गुणकर्म में पहले तो तेल देखते हैं, क्योंकि इसका मेन तेल होता है। तो जो अच्छा तेल होगा उसके 40-50% इसमें तेल निकलेगा। फिक्स्ड ऑयल होता है, मतलब वोलेटाइल नहीं होता इसमें। तो धूप से उड़ने का कोई ज़्यादा इसमें इफेक्ट नहीं है, खाली इसका खाद वगैरह का है। तो इसमें विटामिन ए बी सी, प्रोटीन जो है 16-26% के आसपास दिखाया गया है कि प्रोटीन भी होता है इसमें। विटामिन्स बता दिया आपको मैंने, साथ में कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है जो कि ह्यूमन बोन्स बनाने के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इसका इंटरनल उपयोग भी है और एक्सटर्नल उपयोग भी कर सकते हैं। गुण की बात करें तो गुण हैं गुरु और स्निग्ध। गुरु मींस हैवी और स्निग्ध मींस चिपचिपा। तो ऑब्वियसली तेल इसके अंदर है तो चिपचिपा ही होगा और भारी होता है ये। तो गुरु और स्निग्ध होने की वजह से ये, और मधुर भी होता है। अच्छा, रस जो होता है इसका मधुर होता है, रस मधुर है। और अनुरस जो है, रस के बाद जो आता है अनुरस, वो इसका कषाय और तिक्त। आपने खाया होगा तो कभी कभी कसैला सा लगा होगा आपको, तो ये कषाय और तिक्त थोड़ा होता है। लेकिन जो विपाक होता है, जो पाक होने पे अपने को सबसे लास्ट में जो मुंह में टेस्ट आता है वो मधुर होता है। गुण जो है बता दिया मैंने, अनुरस बता दिया, रस बता दिया। वीर्य जो है उष्ण है ऑब्वियसली, इसीलिए इसको वात रोगों में जो दर्दें जिनको ज़्यादा होती हैं उनमें, जितने भी दर्दों के तेल होते हैं बेस इसी को लिया जाता है मोस्टली।
एरंड के तेल को भी लिया जाता है, लेकिन मोस्टली इसी को लिया जाता है 90%। वीरे जो है उष्ण है, और जो कोकोनट ऑयल है उसका जो वीरे होता है वो शीत होता है। ठीक है दोस्तों, स्निग्ध मधुर होने से ये वात शामक है, गुरु गुण है इसका, लेकिन पित्त और कफ को ये बढ़ाता है। तो जिनको वात रोग हैं लेकिन वो हैवी हैं थोड़े, पीपल ज़्यादा हैं, उनको कम यूज़ करना चाहिए इंटरनली। एक्सटर्नली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साथ में ये योगवाही है, जैसे हमारा शहद होता है वो योगवाही है। योगवाही का काम होता है अपनी जो ड्रग होती है, जो मेन आपके औषधि है, उसके गुणों को और भी बढ़ा देता है जब आप इसके साथ लेते हैं। तो जब आप तिल के साथ लेंगे या तिल के तेल के साथ कोई औषधि लेंगे तो आपके जो गुण हैं, जो बेनिफिट देने हैं इसने शरीर को, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जैसे कि हनी करता है। तो हनी की एब्सेंस में अगर आपके पास हनी नहीं है, शहद नहीं है तो प्योर, तो आप तिल के तेल का यूज़ कर सकते हैं औषधि लेने के लिए। बाह्य संस्थानिक जो एक्सटर्नल यूज़ की बात करें तो ये वेदना शामक है, दर्दों को कम करता है, मीन्स साथ में संधानीय है, मीन्स जोड़ता है। तो जब हड्डियाँ टूट जाती हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो गया, आपकी हड्डियाँ टूट गई हैं, तो उसमें भी अगर तेल की मालिश हल्के हल्के करेंगे तो ऑब्वियसली ये आपके संधान का काम करेगा। साथ में खाने के लिए भी अगर तिल का यूज़ करेंगे वो संधान का काम करेगा। बृहणी है, मोटापा लाता है, क्योंकि कफवर्धक है ये। दोस्तों इसके साथ ये व्रण रोपण भी है, जो जख्मों को भरता है, और व्रण शोथहर भी है, मीन्स जो सोजस होती है, स्वेलिंग होती है, वहाँ को ठीक करता है, उसको कम करता है। और इसके साथ साथ केश्य है, जैसे मैंने बताया केश्य के अंदर है, तो इसका बालों में यूज़ होता है। यूज़ कैसे होता है बालों का, इसके पत्ते और इसकी रूट जो है, दोनों चीज़ें जो है उनको कल्क बना के, मीन्स पेस्ट बना के उनका, फिर उसको काढ़ा बनाना है आपने, और उस काढ़े से आपने बालों को धोना है, तो उससे बालों को काला होने में हेल्प मिलती है, ऐसा चरक जी ने बताया है। नाड़ी संस्थान की बात करें तो नाड़ी संस्थान में ये मेध्य है, मीन्स ब्रेन टॉनिक की तरह काम करता है। तो आप इसको बच्चों को दूध में भी एक दो बूंद, जैसे बादाम तेल पिलाते हैं, है ना, बादाम रोगन पिलाते हैं, वैसे इसका भी एक दो बूंद जो सर्दियों में बच्चों को दे सकते हैं, पिला सकते हैं। पाचन क्रम की बात करें तो ऑब्वियसली गर्म होने की वजह से ये पाचन है, दीपन है, अग्नि जठराग्नि को बढ़ाता है, खाने में डाइजेशन को हेल्प करता है। जो आपकी शूल होती है, शूल प्रशमन है, मीन्स जो दर्द है आपकी, अगर डाइजेशन इनडाइजेशन की वजह से, गैस्ट्रिक की वजह से हो रही है, तो इसमें भी आपका ये यूजफुल है। आप तिल को खा सकते हैं या तिल के ऑयल को आप दूध में मिला के ले सकते हैं। रक्तवेह संस्थान में ब्लड पे क्या इफेक्ट है इसका, तो ये रक्त स्राव को रोक सकता है। तो जहाँ पे संस्थान मीन्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में इसका इफेक्ट ये है कि जब गले में खराश हो जाती है, कफ नहीं होता लेकिन सूखी खांसी जिसको बोलते हैं वो हो जाती है, तो उसकी गले की शुष्कता को, कईयों को गला बैठ जाता है तो उसकी शुष्कता को ख़त्म करता है, उसमें बहुत यूजफुल है। मूत्रवय संस्थान में मीन्स यूरिनरी सिस्टम पे क्या इफेक्ट है, ये यूरिन की फ्रिक्वेंसी को कम करता है। तो जिनको बार बार यूरिन की फ्रिक्वेंसी आती है तो उसमें भी वो तिल का यूज़ कर सकते हैं, तिल का तेल यूज़ कर सकते हैं पीने में, तो बहुत ही यूजफुल है। क्या काम है वो बताते हैं, लश्चर प्रदान करता है त्वचा को। अगर आपकी जो त्वचा है वो सूख गई है तो उसमें क्या है, आप इसकी मालिश कर सकते हैं, तो एक तो लश्चर प्रदान करेगा और दूसरा ये वात रोग को कम करेगा, खुश्की कम करेगा आपके, ठीक है। और उसके बाद प्रजनन संस्थान पे ये बाजीकरण है, इसका पोटेंसी बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आर्तोजनन है क्योंकि गर्म है, तो जिनके पीरियड्स की प्रॉब्लम है वो भी इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों वात रोग में बात करें तो जैसे पक्षाघात होता है आपका, जो पैरालिसिस जिसका अटैक पड़ता है, और अर्धित जिसमें कई बार मुंह टेढ़ा हो जाता है, तो वात रोग है दोनों के दोनों, तो उसमें इसका तेल का अभ्यंग कर, जितनी भी वात रोग है हमारी, ज्वाइंट पेन है, उसमें अगर किसी को मेडिकेटेड तेल लेने में दिक्कत है, खर्चा ज़्यादा लगता है, तो नॉर्मली जो तिल का तेल होगा वो भी महंगा ही होता है, लेकिन आप सादा तिल का तेल भी यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अब इसका एक पत्र का यूज़ मैंने बता दिया आपको, बालों के लिए केश्य मीन्स जो आपके पत्ते हैं, आपको ये पत्ते ले लेने हैं, और साथ में एक आपको जड़ दिखाते हैं। तो ये जड़ इतनी इतनी आपने काट लेनी है धो के, और साथ में इसके जो पत्र हैं वो ले लेने हैं, तो उनका काढ़ा बना के, पेस्ट सा बना के, पहले पेस्ट बना लें, फिर उसमें पानी डाल दें 10 गुना, उसको रिड्यूस कर लें हाफ में,
जब वो हाफ रिड्यूस हो जाए तो उसको छान के उनसे वो बालों को धो लें, तो आपको बालों में लस्टर प्रोड्यूस होगा, साथ में हेयर फॉल की जो समस्या है वो ख़त्म होगी, हेयर ग्रेइंग की समस्या है उसमें भी लाभ मिलता है, जो जल्दी पक जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं बाल, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दांतों की जो कमज़ोरी है दोस्तों, कई बार दांत हिलने लगते हैं या दांतों में दर्द होता है, तो उसके लिए तिल जो बीज हैं उसको चबाने से बहुत ही आराम मिलता है, स्ट्रांग बनते हैं आपके तिल के बीज। यूज़ जो है पार्ट यूज़ इसका मेन तिल पंचांग ही है, वैसे तो क्षार भी बनता है इसका, तिल का बीज भी यूज़फुल है, साथ में पत्र भी हैं, रूट भी हैं यूज़फुल। तो 3 से 5 ग्राम के बीच में इसकी डोज रहेगी पर टाइम, और साथ में इसके आप तेल का यूज़ कर सकते हैं एक्सटर्नली, तो वो जितना मर्जी एज़ पर आपकी रिक्वायरमेंट आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारी फॉर्मूलेशन हैं इसकी तिल की, तेल मेनली जितने भी हैं वो सारे के सारे 90% जो मैंने बताया जैसे, वो सारे के सारे बेस जो है उनका ऑयल, ये अपना तिल तेल ही होता है। तो ये था आज का तिल का प्लांट, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ओनली इन्फॉर्मेशन पर्पस है, ताकि हर किसी को ये आयुर्वेद का नॉलेज थोड़ा थोड़ा जो मेरे को ज्ञात है वो आप तक बांट सकें। तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।